हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो होने वाला है कि रिलेशनशिप, जो भी कोई है, आप लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी भी रिलेशन में हैं, अफेयर है, या आप लव अफेयर में हैं, मतलब जैसा भी कोई आपका कनेक्शन है, आप उसके लिए आज का रीडिंग जो है वो देख सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है और इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाला जो समय है वो आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसा रह सकता है, और आज अभी इसी समय पर आपका जो कनेक्शन है वो कैसा चल रहा है। तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे रिश्तों को लेकर। तो आज की रीडिंग पूरी तरह से रिलेशनशिप बेस्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत प्यारी सी दो पिक्चर्स ली हैं जो भगवान कृष्ण की हैं। और आज की जो रीडिंग है उसमें सीधा सीधा मैं गाइडेंस जो है वो इस तरह से दूंगी कि भगवान के साथ आप कनेक्ट होकर इसको सुनिएगा। मुझे लगता है कि जब आप कनेक्शन फील करते हो ना हायर फ्रिक्वेंसी के साथ, तब रीडिंग बहुत ज्यादा रेजोनेट होती है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने ये इसलिए सोचा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स तब आते हैं जब हम हाई फ्रीक्वेंसी को साथ लेकर वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर लिया है कि आपके रिश्तों को लेकर भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं, आपको दोनों में से एक चूज करनी है। दोनों ही भगवान कृष्ण की पिक्चर्स हैं और दोनों में राधा कृष्ण की बहुत प्यारी पिक्चर्स आपको नजर आएंगी। जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको रेजोनेट होती है, वो आप चूज कर सकते हो। देखिए कितनी खूबसूरत है, मुझे इनको देखकर ही बहुत एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। आप भी इसको चूज कीजिए और आपके लिए आगे मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं टैरो कोर्स की डिटेल भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोग टैरो सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ये नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। अगर आप टैरो ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर सारी डिटेल ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में कि आपके रिलेशनशिप को लेकर भगवान की क्या प्लानिंग्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपको क्या गाइडेंस मिले। तो पहले पाइल से शुरू करते हैं। फर्स्ट पाइल जिन्होंने भी यहाँ पर चूज किया है, मैं अब आपकी रीडिंग करने वाली हूँ और देखते हैं कि भगवान कृष्ण की इस पिक्चर को जिसने भी चूज किया है, आपके लिए आपके रिश्तों को लेकर भगवान का क्या मैसेज है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पाइल की। फर्स्ट पाइल यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए टैरो की मदद से ले रही हूँ। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय पर। देखिए टेन ऑफ स्वॉर्ड क्या बता रहा है। बहुत सारे लोग बहुत दर्द में हैं, बहुत परेशानी में हैं। आप लोगों को इस दर्द से गुजर जाना चाहिए, मैं यही कहूंगी। आप लोग मुझसे कहेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, माय गॉड, ये बहुत ब्लॉक एनर्जी आ रही है। जो लोग भी यहाँ पर रीडिंग को देखने के लिए पहुंचे हो, वहां आप लोगों को क्यों इतनी परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आती बातें। हर बार तो मैं समझाती हूँ, हर बार तो मैं कहती हूँ कि इतने दर्द में मत रहो, मत सोचो, मत इतना ज्यादा परेशान रहो। हाँ, सिचुएशंस बहुत मुश्किल होती हैं कभी कभी, और आप लोग मुझसे कहेंगे कि कहना बहुत आसान होता है, करना कितना डिफिकल्ट है, ये आप लोग ही जानते हो। मैं जानती हूँ कि आप लोग जानते हो कि करना बहुत डिफिकल्ट होता है और सहना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर आप लोग इतने दर्द में रहोगे तो कैसे जियोगे, कैसे जी पाओगे। ये सिचुएशन यहाँ पर इतनी खराब, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहूं। आप लोग जो लोग किसी रिश्ते में कमिटेड हैं, इस रिश्ते में भी आप बहुत दर्द में हैं। आप लोग सह नहीं पा रहे हो जो बातें आपके साथ हो रही हैं, आपके बैक बाइटिंग की जा रही है, आपके घर परिवार के लोग भी कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं जो शायद सह नहीं हो रही। आपके पीठ के पीछे से भटकाया जा रहा है किसी को, आपके हस्बैंड को हो सकता है भड़काया जा रहा हो आपके खिलाफ, या आपके लवर को हो सकता है भड़काया जा रहा हो आपके खिलाफ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन रिश्ते में बनी हुई है जो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, और आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन उड़ा हुआ है, परेशानियां बढ़ रही है दिन ब दिन, और ये सिचुएशन आपके साथ रिश्तों में चल रही है। करंट सिचुएशन है आपकी और आप बहुत पेनफुल स्थिति में है। मुझे बहुत सारी वाइब्रेशंस यहाँ पर इकट्ठा नजर आ रही हैं। मैं जानती हूँ कि आपके दुख का कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ईश्वरीय संदेश आपके लिए क्या है और कैसे आप इस दुख से रिलीज हो पाएंगे, कैसे आप इस दुख की घड़ी को झेल पाएंगे, देखते हैं। चलिए, यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ईश्वरीय संदेश मैसेज ये है, जो लोग स्टक सिचुएशन में हैं, जो लोग बहुत दर्द में हैं, जो लोग बहुत परेशानी में हैं, कि आप लोग इस बात को अगर भूलेंगे
यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड भी है। अगर आप इस सिचुएशन को निकलना चाहेंगे तभी निकल पाएंगे। दो चीजों में मत सोचिए कि निकलें या ना निकलें, आप ये सोचिए कि आप कैसे निकल सकते हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ कप है, तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनको शायद आप देख नहीं पा रहे हो, पर वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप उनके साथ मिलोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, अपने घर परिवार के लोगों के साथ मिलोगे, जो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स हों, आप अगर इन लॉज से परेशान हैं या वहां पर स्थिति खराब है तो अपने पेरेंट्स के साथ मिल सकते हैं, भाई बहन के साथ मिल सकते हैं या किसी फ्रेंड के साथ भी मिल सकते हैं, जहां पर आपको कुछ राहत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। और जब आप एक अच्छी एनर्जी में आते हो, गेट टुगेदर कीजिए, पार्टी कीजिए थोड़ी बहुत, और सोचिए कि स्थितियां क्यों खराब है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है। जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर चीजें समझ ही नहीं आ रही, तो वहां कहीं ना कहीं तो समझोगे, किसी ना किसी से तो पूछोगे। तो वो स्थिति यहां पर बनी हुई है कि अगर आप खुद नहीं देख पा रहे हो सिचुएशन को, तो किसी के साथ मिलकर बात करो, फ्रेंड्स के साथ बैठकर बात करो, शेयर करो कुछ, और आपको समझ में आने लगेगा कि गलती क्या हुई है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, क्यों है, रीजन क्या है, क्यों आपके पीछे बैकबाइटिंग की जा रही है, क्यों लोग आपके पीछे बातें कर रहे हैं। तो सारे रीजंस आपको क्लियर हो जाएंगे। पर अगर आप ये सोचोगे कि मैं खुद ही फैसला लूं, अगर आप खुद फैसला लेना चाहते हो, तो यहाँ पर एक स्थिति और है, एक सिचुएशन और है कि आप अपने अंदर से पूछिए, जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर भी आंखें बंद है, यहां पर भी आंखें बंद है, यहां पर भी आंखें बंद है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि खुद से समझ आएगा। पर अगर आप मानते हो कि खुद से समझ आएगा, तो इनर आवाज को सुनिए, अपनी अंदर की आवाज को सुनिए, जो आपके अंदर से, अपने आपके मन से निकल रही है। हमारा मन हमेशा हमें बता देता है कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी हम उसको इग्नोर करके अपने दिमाग की बात को सुनते हैं और फिर हम फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि हम ना बहुत सारी चीजों में ब्लॉक रहते हैं, हमारा दिमाग ब्लॉक रहता है। बहुत सारे पीयर प्रेशर्स हमारे ऊपर होते हैं, पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं गलत स्टेप ना ले लूं, कहीं लोग मुझसे ये ना कह दें कि तुमने रिश्ते को लेकर सेक्रीफाइस नहीं किया, तुमने रिश्ते को लेकर जो चीजें तुम्हें चाहिए थी वो सब तुम्हें मिला फिर भी तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये पीयर प्रेशर्स ना हमारे ऊपर हमेशा बने रहते हैं, और ये स्थिति मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि आपके ऊपर कितना पीयर प्रेशर है और आप इसके लिए कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर बात करते हो, तो कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन ही बंद है इस समय पर। आपने खुद को इतना ब्लॉक अंदर से कर रखा है कि आप कुछ भी देखना नहीं चाहते, ना ही आप कुछ चलाना चाहते हो, ना ही कुछ देखना चाहते हो। आपकी स्थितियां बहुत खराब चल रही है, और कुछ जगह पर मुझे लगता है जो लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर वो अभी बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं है पर रिलेशन चल रहा है, तो इन आउट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन आउट की स्थिति है। यहाँ पर अभी तो ब्लॉकेज चल रही है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं एक दूसरे के, और अभी समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ता कहाँ जाएगा, आगे कैसे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो चलिए कुछ और एनर्जी से देखते हैं कि आगे की पोजीशंस क्या है और स्थितियां क्या हो सकती है। हैरमिट, ओके। तो जिन लोगों के लिए स्थितियां जो है अभी ऐसी चल रही है कि इन आउट चल रहा है और आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक है, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक है, फेसबुक ब्लॉक है, तो अभी तो कुछ ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग अपने किसी मेंटोर के पास जा सकते हो काउंसलिंग लेने के लिए, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो सेल्फ आइसोलेशन में जाकर ना सोचो कि क्या चीजें हैं जो आपने गलत की है। कभी कभी हम डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और एक ऐसे रिश्ते में बंध जाते हैं जहां पे हमें बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है। तो ये चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप लोग अगर ऐसे रिश्ते में हो तो आप मनन करें, सोचें कि गलतियां शायद आपसे हुई होंगी, या अगर सामने वाले से हुई हैं तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आप ऐसे रिश्ते में सारी जिंदगी कैसे रहेंगे। जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए अलग बात है, पर जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो बच्चे नए नए रिश्तों में एंटर कर जाते हैं, वो कैसे आगे जाएंगे इस रिश्ते में। और कार्ड्स की मदद से भी मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या है, क्या एडवाइस है। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। एक और कार्ड की मदद से देखते हैं, द डेविल, ओके। तो यहाँ पर कुछ गलतियां तो हुई हैं,
कुछ ऐसी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में जो दिख नहीं रही आप लोगों को, शायद महसूस तो हो रही है पर समझ नहीं पा रहे हो क्या है। कुछ रिश्ते अब्यूजिव हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं, कुछ रिश्ते जो कमिटेड हैं वो भी अब्यूजिव रिलेशनशिप है और आप एक बार एंटर तो कर चुके हो पर अब समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो थर्ड पार्टी की वजह से यहां पर मुझे लगता है कि हुआ है। ये रीजंस थर्ड पार्टी की वजह से बिल्कुल हो सकते हैं। आपको ना बहुत ज्यादा सीक्रेट तरीके से ये देखना चाहिए कि क्या थर्ड पार्टी है। आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहां पर कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पीठ के पीछे बातें कर रहा है और भड़का रहा है रिलेशनशिप में। वो घर में भी कोई हो सकता है, जो लोग मैरिड हैं हो सकता है कि आपके घर में ही कोई ऐसा पर्सन है जो भड़का रहा है, जो चीजों को खराब कर रहा है, सिचुएशंस हैंडल नहीं करने दे रहा। तो ये जो चीजें हैं वो बनी हुई हैं और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी का भी मुझे फ्लो नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस नेगेटिव एनर्जी है। इसके लिए एक बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी नेगेटिविटी को कम करने की पहले तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ना मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएगा। क्योंकि जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि गलतियां क्या है, या आप अपनी मेडिटेशन के थ्रू अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रांग कर लें कि वो आपको बता दे कि क्या है। तो यहाँ पर वो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, कोई ब्लैक मैजिक की मुझे पोजीशन भी नजर आ रही है कि कुछ किसी ने कर दिया है। रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा था, स्थितियां बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर अब वो स्थिति नहीं है, अब चीजें बहुत कुछ बदल गई हैं, अब पहले जैसा सब कुछ नहीं रहा, तो यहां पर मुझे वही नजर आ रहा है। तो ये जो आप ठीक करना चाहते हो, जिसको आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, या तो आपको इस स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा या उसको ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग अपने रिश्ते में कमिटमेंट चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा चले, तो वो कमिटमेंट आपको नहीं मिला। आपने बहुत एक्सपेक्टेशन की थी इस रिश्ते से, पर वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो टूट चुकी हैं आपकी, और आपको लगता है कि ये तो अब आगे क्या होगा, जब अभी इतना खराब स्थिति चल रही है तो आगे बढ़ के क्या होने वाला है, कुछ भी चीजें जो है वो ठीक तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ ताकि और क्लैरिटी मिले कि इस रिश्ते में भगवान क्या एडवाइस करना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, ऐसे रिश्ते के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए कुछ एडवाइस मैं यहां से लेना चाहूंगी, मैसेजेस कार्ड के जरिए देखते हैं कि क्या है रिश्तों को लेकर एडवाइस। Thoughts create your reality, okay? तो आप वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके thoughts आपकी reality बना सकते हैं, accept struggles and lessons as lessons, okay? तो ईश्वर का ये संदेश है आपके लिए। देखिए, समझ लीजिए इस बात को कि आप अपनी struggles को, आप अपने struggles को lessons बनाकर चलिए। जो आपने सोचा है कि आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, आप सोच लीजिए कि वो आपके लेसन्स हैं, आप उसको लेसन बनाकर अगर आगे बढ़ेंगे ना तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको समझ आ जाएंगी चीजें। अभी तक बहुत ब्लॉक स्थिति चल रही है, स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, आगे बढ़ने के लिए समझ नहीं आ रहा, तो ये स्ट्रगल्स जो है वो आपके लेसन्स हैं ताकि आप अगर लाइफ में आगे किसी और रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि पीछे जो हुआ है वो आगे लेकर नहीं जाना, वो आपके लेसन्स है, वो चीजें नहीं करनी जो पहले हो चुकी हैं, वो चीजों को सुधारना है जो गलतियां हुई हैं, कुछ हाइड हुई है चीजें या किसी ने कुछ कहा और आपने दिल पर लगा लिया और रिश्ते को तोड़ दिया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती है फिर वो बड़ी बन जाती है, तो वो भी लेसन्स हैं आपके लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर रिश्ता बहुत बुरे दौर से गुजर कर टूट चुका है, तो भी ये आपको लेसन लेकर आगे बढ़ना है कि आगे कहीं भी जाएंगे आप जिंदगी में, कहीं भी आगे बढ़ेंगे, तो अपने लेसन्स को हमेशा साथ रखिए, कभी उनको भूलिए नहीं कि जो जो गलतियां हुई हैं, चाहे वो किसी से भी हुई हो, आपके लिए तो लेसन बन जाएगा। आप तो यही कहोगे कि मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है, और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो शायद आपको आसानी हो जाएगी। और दूसरा है थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, इसका मतलब है कि आप जो सोचते हो ना वो रियलिटी में बदल जाता है, तो इसलिए नेगेटिविटी से बाहर निकलो। अगर आप रिश्तों में नेगेटिव हो, नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, इधर उधर से किसी ने कुछ कर दिया है, तो भी अपने थॉट्स को क्लियर रखने की कोशिश करो, आप इंट्रोस्पेक्ट करो,
गलतियां किसी से भी हुई हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने में कुछ भी किसी का नहीं जाता। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिश्ते में आपने कुछ किया है या उन्होंने कुछ किया है, सोचना जरूरी है, दोनों के लिए सोचना जरूरी है। तो आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनते हैं। तो ईश्वरीय संदेश यही है कि अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, इस दर्द को आप गुजारना चाहते हैं, चाहे वो सेपरेट होकर चाहे वो इकट्ठा होकर, पर आपको मनन करना है और अपने थॉट्स को प्रोग्राम करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव है, सब चीजें नेगेटिव चल रही हैं, थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, आप डिसीजन सही से नहीं ले रहे हो, आप अपने आप के साथ हमेशा ईगो क्लैशेस में जी रहे हो, खुद के साथ ईगो आपके आगे आ रही है, आप ये नहीं सोच रहे हो कि किसी तरीके से कुछ अच्छा हो, आपकी ईगो इतनी बड़ी है कि कुछ भी सुधारना आप भी नहीं चाहते हो। तो मुझे ये नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो अभी जो सिचुएशन है वो काफी स्ट्रगलफुल और स्टक चल रही है, आपको इसके लिए इन दो चीजों को जरूर फॉलो करना है जो आप गाइडेंस समझ सकते हैं, एडवाइस समझ सकते हैं, और इस रिश्ते को अगर आप थोड़ा स्पेस देंगे तो कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ जाएंगी। जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं उनके लिए भी अभी मनन का टाइम है, अभी सोचने का टाइम है, क्योंकि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बन सकते हैं। इसलिए स्ट्रगल्स को लेसन्स बनाकर, अपने थॉट्स को अपनी रियलिटी बनाकर काम करें खुद पर, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि रिश्तों में गलतियां ना कर बैठें और गलत डिसीजन ना लें। तो थोड़ा सा मनन कीजिए। आने वाली रीडिंग में मैं बताऊंगी कि क्या सिचुएशन है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। अभी यही एडवाइस थी तो मैंने आपको यही बताया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं कि आपके लिए आपके रिश्तों को लेकर भगवान की क्या प्लानिंग्स हैं और क्या वो आपके रिश्तों को लेकर एडवाइस आपको करना चाहते हैं। यहाँ पर आज मैं करंट सिचुएशन भी देखूंगी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आगे आपके लिए क्या एडवाइस है। तो सबकी बात करेंगे, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, जो लोग रिश्ता चाहते हैं, या जो लोग सेपरेटेड हैं या किसी दर्द से गुजर रहे हैं। तो सारी जनरल रीडिंग आपके लिए मैं कलेक्टिव लेकर आई हूँ और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इसको। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आपके लिए आने वाली जो लाइफ में आपकी रिश्तों को लेकर और अभी क्या सिचुएशन है। अभी पहले प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या चल रही है। यहाँ पर है 6 of cups। ओके, तो चलिए अच्छा है, बहुत अच्छी सिचुएशन है अभी आपकी। पुरानी यादों में बहुत ज्यादा आप डूबे हुए हो। एक और कार्ड लेती हूँ, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ट। ओके, तो ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो मुझे बता रही है कि कुछ लोग अपनी पुरानी मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। रिलेशनशिप में कोई ऐसा आपके लिए था आपकी जिंदगी में जिसको आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, आपकी पुरानी यादें बार 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 आपको आके स्ट्राइक कर रही है। हो सकता है कि वो इंसान बहुत जल्द आपसे आके मिले, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आया है, तो प्रेजेंटली अभी आजकल में 2 दिन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ सकता है जो आपको प्रपोज कर सकता है, आपके साथ प्यार का इजहार कर सकता है, आपके पास अपनी पुरानी यादों को बांट सकता है। बहुत कंफ्यूजन भी चल रहा है कि अगर वो इंसान आ गया, उसने आपसे पहले भी कभी कहा था कि वो आपसे प्यार करता है या वो आपके साथ अपनी जिंदगी को बिताना चाहता है, तो आप उसे क्या कहेंगे। ये माइंड में बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। तो यादें तो बहुत हैं आपके साथ जुड़ी हुई, कुछ पुराने रिश्तों की जो अभी तक अभी सामने नहीं है, हिडन है, पर है जरूर आपके जहन में है, अंदर है, मन में। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो चल रही है सिचुएशन वो ऐसी है कि कुछ रिश्ते पुराने आपको याद आ सकते हैं और कुछ सामने आ सकते हैं। तो चलिए और लोगों के लिए देख लेते हैं जो अभी सिचुएशन और क्या चल रही है। कुछ लोगों के लिए तो आ गया है कि वो पुरानी यादों में है। देखिए यहाँ पर भी कुछ चीजें जो है, आप निकलना नहीं चाहते उस कंफर्ट जोन से बाहर कि आप अपने उसी पुराने फ्रेंड के साथ जाकर या पुरानी याद में जाकर उसको कहें कि हाँ वो आपके साथ रह सकते हैं या आप उनके साथ रह सकते हो। तो आप स्टार्ट करना भी चाहते हो और नहीं भी करना चाहते हो, आप कुछ सोचे जा रहे हो, बहुत सारी प्लानिंग आपके मन में चल रही है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बहुत है कि इस रिश्ते को आप एक नाम दें या ना दें, ये कंफ्यूजन मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो अभी इतना ही है कि आप सोच रहे हो, शुरुआत भी करना चाहते हो कि एक रिश्ता शुरू हो जाए और आपकी रिलेशनशिप शुरू हो जाए, पर अभी आप इस जोन में हो कि कहना नहीं चाहते उनसे, खुद पर खुद तो कहना नहीं चाहते। हाँ, वो अगर आपके सामने आ जाए तो कुछ सोचा जा सकता है, ये एनर्जी है आप लोगों की। कुछ लोगों के लिए और देखते हैं।
देखिए यहाँ पर है जस्टिस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो नियर फ्यूचर आप जरूर निकलेंगे और आप पुरानी यादों से बाहर निकलकर आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, जिस रिश्ते के लिए आप सोच रहे हो। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी आप पुरानी यादों में अटके हुए हो, आप कुछ चीजों को याद कर रहे हो और आप इस रिश्ते में जस्टिस करेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और आप जो भी कमिटमेंट किसी के साथ की है, बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, तो आप उसको निभाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहने वाली है। जो भी चीजें, कुछ भी थोड़ा सा नेगेटिव था, वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं है बल्कि एक सोच की तरफ है कि अभी तो आपने इसको शुरुआत अच्छे से नहीं किया, पर आगे आप जरूर करेंगे, आप जस्टिस करेंगे, कमिटेड हैं आप अपने रिश्ते को लेकर, आप उसे भूलेंगे नहीं, आप उसकी यादों को नहीं भूलेंगे। तो एक ऐसे पर्सन की वाइब मुझे दिख रही है जो बहुत ही कमिटेड है। अगर आपका नया नया रिश्ता शुरू हुआ है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमिटमेंट की जो फ्रेग्रेंस है वो आ रही है, कमिटमेंट की फ्रेग्रेंस होती है और जब वो नजर आती है ना तो एक अच्छी खुशी होती है। तो जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक रिलेशनशिप को, वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट बहुत मिलने वाला है आपको। अगर अभी आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं अभी नहीं मुझे करना, तो आप कर लीजिए, आपको एक बहुत प्यारा एहसास मिलने वाला है। तो ज्यादा ईगो में रहने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारे रिश्ते हैं, मेरे पास तो बहुत सारी पीछे लड़कियां हैं, मेरे पास तो बहुत सारे पीछे लड़के हैं। तो ये चीज को भूल करना, कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई आपके पास आकर आपको कह रहा है तो वाकई में वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि वो आपकी वेट कर रहा है, वो आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आपके साथ एक दूर की वो यात्रा को तय करे, वो एक जर्नी को तय करना चाहता है। तो इसलिए अगर आपको इस समय में कोई ऐसा रिलेशनशिप मिल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ज्यादा ईगो में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा ईगो में रहते हो ना तो कहीं ना कहीं चीजें हाथ में नहीं रहती हैं। फिर तो चलिए और कार्ड से मैं देख लेती हूँ कि रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आज की पूरी रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप की है, तो यहाँ पर जो लोग भी चाहते हैं कि रिश्तों को लेकर उनको जजमेंट मिले, वो अभी तक हीलिंग मोड में नहीं थे, तो आप हीलिंग मोड में बहुत जल्द आ जाओगे। छोटी छोटी चीजें हर रिश्ते में चलती हैं, इन आउट हर रिश्ते में चलता है, छोटी छोटी चीजों का, ऐसा नहीं बहुत बड़ा कि कभी निकाल ही दिया और किसी और को एंटर करवा लिया, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी बात पे कोई ईगो क्लैश होता है, थोड़ी थोड़ी बात पे कोई रिश्ते में ट्रबल आ जाती है, तो जजमेंट मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है आप लोगों के लिए। और जिन लोगों के रिश्ते खराब चल रहे हैं वो भी अब हील होना शुरू हो जाएंगे। तो पाइल नंबर टू आपके लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है, आप अपनी ईगो को छोड़कर एक्सेप्ट करें छोटी छोटी बातों को, आपको जजमेंट जरूर मिलेगा। तो यहां पर मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जो किसी भी सिचुएशन में हीलिंग की तरफ नहीं लेकर जा रहा। तो कैसे भी रिश्ते हैं आपके, आप अभी तक सेपरेट रह रहे हैं तब भी हीलिंग हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है। तो कुछ मैसेज कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ कि भगवान की आपके लिए क्या एडवाइस है, वो रिश्तों में आपको क्या बताना चाहते हैं। काइंडनेस काउंट्स, ओके, तो भगवान भी यही कहना चाहते हैं कि आप अगर काइंड रहेंगे, ईगो को छोड़ देंगे तो वो काउंट होगी, वो आप इंस्पायर अदर्स। ओके, एक और मैसेज मैं लेना चाहती हूँ ताकि और भी क्लैरिटी हो जाए, इसको लेते हैं। रिलैक्स, ओ रिलीज, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ओके, तो यहां पर बहुत जल्द आप ऐसे रिलेशनशिप को रिलीज करेंगे जो टॉक्सिक था, जो अभी तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने रिलीज कर भी दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने रिलीज की है चीजें, बहुत सारे लोगों ने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, आपने अपनी टॉक्सिसिटी को बाहर निकाला है पर अपनी काइंडनेस के साथ, ऐसा नहीं है कि ईगो के साथ निकाला है। आप में से बहुत से लोग बहुत काइंड हैं, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर अच्छा सोचते हैं, कमिटेड हैं, पर अगर फिर भी टॉक्सिक है रिलेशनशिप तो वहां से निकलकर आगे मूव ऑन कीजिए, क्योंकि जब आप इतने दयालु हो कि रिश्तों को सब कुछ दे देना चाहते हो, पूरी जस्टिस करना चाहते हो, जजमेंट देना चाहते हो, हीलिंग मोड में हो, तो फिर भी अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा ना तो इस मोड से तो निकल जाइए, इसमें तो रहने की जरूरत नहीं है। और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप इंस्पायर कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारी आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है कि रीडिंग बहुत अच्छी थी, इसमें कुछ भी रिलेशनशिप को लेकर ऐसा नहीं था जो आप लोग सोच रहे हो और कर ना सको।
तो यहाँ पर आप में से जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, वो कमिटेड है या अभी शुरू हुआ है या अभी शुरुआत करना है और आप सोच रहे हो करने के लिए, उन सब के लिए ही यहाँ पर ये रीडिंग पॉजिटिव है कि आप जिस रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हो वो आपको कमिटेड रिलेशनशिप में आगे लेकर जाएगा वो इंसान, और आप उसके साथ ही अपने एक अच्छी बॉन्डिंग को देख सकते हो। यहाँ पर मुझे सब तरफ से ही एक फायर एनर्जी नजर आ रही है जो आपको एक अच्छे रिश्ते के लिए जरूरी होती है। फायर जो है वो भी जरूरी होता है, इमोशंस के साथ साथ फायर भी जरूरी होती है एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए, एक जील के लिए, एक पैशन के लिए। तो यहाँ पर आपके इस रिश्ते में पैशन नजर आ रहा है, प्यार नजर आ रहा है, जस्टिस सबसे ज्यादा नजर आ रहा है कि आप अगर किसी भी तरह से जस्टिस पाना चाहते हैं, भगवान से भी यही चाहते हैं कि अगर आप किसी नए रिश्ते में एंटर कर रहे हो तो भगवान ये रिश्ता अच्छा चले, इसमें जस्टिस हो हमेशा, मुझे कभी भी गलत इंसान ना मिले, आप ऐसी अगर दुआ कर रहे हो अपने लिए तो वो जरूर आपकी पूरी हो जाएगी। और आपको एक ऐसा ही पर्सन मिलने वाला है जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रिश्ते को निभाएगा। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको भी एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो एक अच्छे रिश्ते में उनको एंटर करवाएगा, जिसके साथ आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, आपको एक विजन क्लियर करने की जरूरत है, एक मिडिल पाथ को चुनने की जरूरत है कि जो आपको पता है कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, अगर कोई दोस्ती थी किसी के साथ, अगर दोस्ती में आप बातें कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो चीजों को, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आपको गलत वालों का साथ छोड़ देना है और अच्छे रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी बातों से तो लोगों को इंस्पायर कर ही लेते हो, इसलिए लोग बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको समझना है कि कहीं कोई रिश्ता गलत ना हो जाए, कहीं कोई टॉक्सिसिटी आपके साथ ना आ जाए, एंटर ना कर जाए, तो इसका ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि आप एक बहुत काइंड हार्टेड है, बोलना बहुत अच्छा आता है आपको, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हो, अपनी बात अच्छे से समझा देते हो, तो लोग आपके लिए ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अट्रैक्ट करते हो अपनी हीलिंग से, अपनी मीठी मीठी आवाज से, तो आपके साथ कोई ऐसे लोग ना जुड़ जाएं जो गलत तरीके से व्यवहार करें और गलत रिलेशनशिप में आप एंटर कर जाएं। तो कुछ केयरफुल एनर्जीज भी साथ में है कि आपको कहाँ केयरफुल होना है। काइंड होना अच्छी बात है, वो आपके काइंडनेस जो है वो जरूर काउंट होगी, पर आपको ध्यान भी रखना पड़ता है साथ में। तो ये है कुछ एनर्जीज आपके रिश्तों को लेकर, और ये है ईश्वरीय संदेश एडवाइस आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो पायल नंबर 2, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही रीडिंग्स के लिए चैनल पर हमेशा बने रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।